दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रिज फ्यूचर पॉइंट के तहत लोसो ग्रिड के आधार पर मैं आज आपको एक दुख सूचना के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर मैंने ये महसूस करा कि ये ऐसी घटना क्यों घटी, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से वर्णन बताना चाहता हूं। क्योंकि जब मुझे ये मालूम हुआ कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत जी का देहांत हो गया और वह भी फांसी के फंदे पर लटक कर, बड़ा मन को दुख हुआ और ठेस पहुंची। ऐसे ऐसे युवा व्यक्ति जो एक फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम समय में जाने जाने लगे थे, और उन्होंने एक ऐसा कृत्य किया जिसकी कल्पना हमारा देश भी नहीं कर पाया। तो दोस्तों, जब मुझे बहुत दुख हुआ और उसके बाद मैंने अपने मन को शांत करके इनके बारे में तथ्यों का जानने का प्रयास किया, जिन तथ्यों के आधार पे मैंने ये एक लोसो ग्रिड बनाया इनका, और उसके आधार पे मैं आप सब लोगों को इस इनके बारे में ये सब कुछ बताना चाहता हूं। कृपया ध्यान से सुने और लोसो ग्रिड की महत्ता को समझें कि लोसो ग्रिड के द्वारा हम कहां तक किस व्यक्ति की स्थिति को जान सकते हैं। दोस्तों, आज हम कम समय में अधिक जानकारी चाहते हैं, ये प्रकृति का नियम है, हमारा नहीं। आज हम हथेली पर सरसों बोना चाहते हैं, आज हम तुरंत हर काम का इलाज चाहते हैं। उसी श्रृंखला के तहत मैंने रात को अनुभव करा, अध्ययन करा, अपनी रिसर्च करी, और मैंने एक लोसो ग्रिड के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत जी की एक कुंडली लोसो ग्रिड के तहत बनाई। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि इनका जन्म, सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21/1/1986 को हुआ, एक संपन्न परिवार में जन्म हुआ। इनके जन्म के पश्चात धीरे धीरे उन्होंने एजुकेशन ली, आगे बढ़े, इन्होंने टीवी सीरियल से काम चालू करा, जैसे मेरा दिल, स्टार प्लस पे इन्होंने कार्य किया, इन्होंने धोनी जी के साथ भी कार्य किया उनकी फिल्म में। इनकी ख्याति और कीर्ति बड़ी दूर दूर तक फैलने लगी, उसी के आधार पर ये फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्होंने प्रवेश किया। लेकिन अचानक ऐसी घटना घटी, इससे पूरा देश स्तंभ रह गया कि ऐसा क्या हुआ। अब तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं इनका जन्म इस स्थान पर हुआ, तो हमने इनका क्या देखते हैं, हमने लोसो ग्रिड से क्या देखा, ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 1 है। हमने उसके बाद क्या देखा, इन्हें 60% जीवन में सफलता मिलनी चाहिए। इनका कुआं नंबर निकाला हमने तो 1986 में इनका 6 अंक आया। दोस्तों, फिल्म लाइन में थे ही थे, इसमें कोई दुराय नहीं है, तो इनकी फिल्म लाइन अपने आप में एक अच्छी लाइन दिखाई देती है, लेकिन 2-7-6 ना होके 7 नंबर मिस है। 7 नंबर मिस इस बात का इंडिकेशन करता है, आगे जब भेद खुलेगा आप सब लोग जानेंगे। मैंने इमीडिएटली जो अपना अनुभव पेश किया है, जो ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दी है, उसके आधार पर बताना चाहता हूं। इनका सुसाइड मानसिक तनाव के साथ साथ लव अफेयर्स भी था, क्योंकि 7 नंबर का होना एक लव अफेयर्स को इंडिकेशन करता है, उसमें असफल होना। 2-6 इंडिकेशन करता है कि लव अफेयर्स था, और 7 नंबर ये कहता है कि वो लव अफेयर्स फेल हुआ। मैं इस श्रृंखला के तहत आपको थोड़ा सा और आगे बताना चाहता हूं। मैंने जब इनका आगे नंबर देखा तो इनका 816 प्रैक्टिकल प्लान आया, ये इमीडिएटली निर्णय लेते थे।
इनके अंदर एक खूबी थी, ये समय खराब नहीं करते थे। और उसके बाद क्या देखता हूं, इनका पर्सनल ईयर 8 आ गया। दोस्तों 8 का अंक शनि का होता है, और आप जानते ही हैं शनि के अंक में, शनि के साल में ऐसे व्यक्ति को परेशानी का, संघर्ष का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ से आप ये भी जानते हैं वैदिक के दृष्टिकोण से, हमारा जो ये 2020 है ये राहु का है, 2020 राहु का है, उधर हमारी लोशो ग्रेड के अनुसार शनि का आ गया, शनि राहु अच्छे नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चले तो हमने इनका पर्सनल मंथ देखा, बुध है, वो बुध भी इनका मिस है, यहां से भी चूक होती है। फिर हमने इनकी पर्सनल डेट देखी, पर्सनल डेट मंथ की डेट देखी तो वो आई नो 9। आप ये जानते हैं पर्सनल ईयर और डेट 9, ये आपस में शत्रु हैं। और दोस्तों अगर हमने पर्सनल एज देखी, जब इनका देहांत हुआ तो इनका ये पर्सनल एज 7 आता है, केतु आता है। अब आप ये देखिए उधर केतु है, उधर शनि है, उधर मंगल है, उधर बुध है, जो कि कोई सा भी ग्रह इनके फेवर में नहीं है। जब से इनका पर्सनल ईयर स्टार्ट हुआ था तब से ही ये डिप्रेशन की स्थिति में थे, शनि डिप्रेशन लाता है। और जब ये पर्सनल डेट आती है 9 मंगल की डेट आती है तो ऐसी स्थिति में, और उधर केतु नहीं है, केतु कुछ कुछ देना ही नहीं आता, आप सब जानते ही हैं, और केतु जो घटना घटाता है अचानक घटना घटाता है, तो डिप्रेशन में होने के कारण ये उन्होंने अचानक से उन्होंने एक आत्महत्या जैसा कार्य किया और संसार छोड़ दिया। ये एक दुखद घटना है समाज के लिए भी और हमारे फिल्म जगत के लिए भी, क्योंकि एक होनहार बालक का देहांत होना शोभा नहीं देता। दोस्तों मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं, लोशो ग्रिड के तहत हम हर चीज देख सकते हैं, कर सकते हैं, बता सकते हैं। दोस्तों यदि लोशो ग्रिड से संबंधित आपको कभी भी किसी चीज की जानकारी लेनी हो तो आप पंडित बैजभूषण शर्मा से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा ब्रिज फ्यूचर पॉइंट चैनल है, ये यूट्यूब बनी है, ये आपके चैनल पे आएगी, सब देखना और समझना। फिर भी कोई शंका हो तो मेरे से मिलना, मेरे से बात करना, मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।